अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तो मैं आपको कुछ टिप देने वाली हूँ कि किस तरह आप अपना लॉन के ड्रेसेस को डिजाइन कर सकते हो। दूसरा आपको ये दिखाने लगी हूँ कि मैंने ईद के दो ड्रेसेस लिए हैं, लाइक लॉन के थ्री पीस, तो वो मैंने कौन से लिए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिक्वेस्ट थी कि थ्री पीस ड्रेस को किस तरह डिजाइन कर सकते, तो उसी आज मैं टिप्स देने लगूंगी कि किस तरह आप डिजाइन कर सकते थ्री पीस को। तो लॉन के थ्री पीस को ना ज्यादा मत बेलों से या बटनों से भरा करें, सिंपल, जितना सिंपल होगा उतना आप एलिगेंट लगोगे। जैसे कि ये मेरा ड्रेस है थ्री पीस जो कि ईगो का है, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, एक हल्की सी इस तरह की बेल लगाई हुई है और इधर साइड पे लगाई हुई, ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ वीडियो पे, ये देखें ये बड़ा प्यारा लगता है। और जो बच चुकी थी वो मैंने यहाँ गले में लगाई हुई है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ इसका चाक, इस तरह चाक में लगा लें आप, सिंपल सा, ज्यादा इसको बेलों से भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन के ड्रेस जितने सिंपल होते हैं उतने ही वो अच्छे लगते हैं। इसी तरह मैंने ट्राउजर पे लगाया हुआ है हल्की सी इस तरह की लेस, ठीक है। मैं अभी कहीं जा रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि मैं ये ड्रेस पहनी हुई थी। और इसके साथ ये दुपट्टा है, इस दुपट्टे पे भी मैंने इस तरह का लगाकर और इस तरह की लेसिंग की हुई है, ठीक है। तो आजकल लेसिंग बहुत महंगी हुई हुई है, तो यानी ये अगर आप विदाउट ईद, यानी ईद का कोई सीजन ना हो, तो ये 40 या 50 रुपीज की पर गर्ल्स मिलेगी। लेकिन अभी जो कि मार्केट ड्रेस है 120-130 ये रेट चल रहा है इसके। सो आप जितना सिंपल लॉन का ड्रेस रखोगे ना, आपकी लुक उतनी एलिगेंट लगने वाली है। तो कम डिजाइन करें और अच्छा लगे। ज्यादा आप आसिनों में क्या करें, हल्की सी यहां लगा दें, या चाक दामन में क्या करें, जो अगर आपको इतनी ही लेसिंग पसंद है। आप देखें ना, मैंने बहुत बारीक सी लगाई हुई है। तो अभी जो मैंने ड्रेस लिए हैं, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि मेरा मोस्ट फेवरेट है ईगो। और जब भी मैं कोई सोचती हूँ ना कपड़े लेने, तो मैं ईगो ही सोचती हूँ कि मैं पहले ईगो देख लूँ और मुझे वही पसंद आ जाता है। अब जैसे कि ये भी मेरा ड्रेस ईगो का ही है। तो ईगो के ड्रेस में पता क्या खासियत है, जो कि पहले वो अनस्टिच नहीं निकालते थे, अब अनस्टिच भी निकालने लगे। तो ईगो की ड्रेस की खासियत ये है कि दुपट्टा एकदम हटके होता है, यानी ड्रेस से हटके दुपट्टा होता है, जैसे लाइक दिस, वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश और बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है। ये मुझे लगता है क्योंकि मेरा फेवरेट है, शायद इसलिए मुझे लगता है। तो मैंने ईद की भी जो दो लॉन के ड्रेसेस उठाए हैं, कि क्योंकि जाहिर है फर्स्ट डे ईद हो गई या कोई अचानक से बीच में अफ्तार किसी की तरफ से इन्विटेशन आ गया, तो मैंने इसलिए ही ईगो के दो ड्रेस उठा लिए एहतियातन, कि अगर कुछ भी आया तो मेरे पास दो ड्रेस होने चाहिए। तो मैंने ईगो के इनमें से कौन सा ड्रेस लिए, वो जब स्टिच होकर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से ईगो के ड्रेस लिए। इसके साथ मैंने लेसिंग भी लिए, थोड़ा सा फॉर्मल करने के लिए, लाइक थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सेमी फॉर्मल के लिए या फॉर्मल के लिए, लाइक लॉन को थोड़ा सा, वो भी मैं किस तरह डिजाइन करूंगी कि वो एलिगेंट भी लगेगा, ज्यादा ओवर नहीं लगेगा। वो जब सिलकर आ जाएगा तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। अभी ये ईद की दो ड्रेस जो मैंने खरीदे हैं, मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो साथ साथ व्लॉग भी कंटिन्यू करूंगी और आपको एक जबरदस्त किस्म का रिव्यू भी देने लगी हूँ कि मैंने अपनी फ्रेंड के जा रही हूँ, अब उन्हें टी पार्टी रखी है। तो ये मैंने मंगवाया था, ये स्मॉल बिजनेस किसी का है, ठीक है। उनके मेरा नंबर सेव था उनका, तो उनके मैंने व्हाट्सअप पे देखा उनका, ये उन्होंने स्टार्ट किया है न्यूली, तो एज उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने उनसे ये लिया है अपनी फ्रेंड के लिए और अपने लिए भी मंगवाया, ताकि टेस्ट भी कर सकूं। ये इनका मैं यहाँ लिख दूंगी, क्योंकि ऐसे तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन पैकेजिंग ये है इस तरह की। तो मैंने इससे पहले भी इस तरह के केक वगैरह ना, जो हम जैसी खवातीन होममेड बनाती, तो मैं उनसे पहले भी लेती आई हूँ, इनसे नहीं, किसी और पे से। वो बहुत अच्छा बनाती है, उनकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह ना, वो भी बड़ी क्लास की होती है। इनकी प्रेजेंटेशन उनसे थोड़ी सी मुझे कम लगी, उनके बॉक्स वगैरह थोड़ी ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, अब इनकी जो ब्राउनी है ना, ये तीन बच्ची हैं, जबकि छह आई थी, ये तीन बच्ची हैं, ठीक है, बच्चे खा गए। अच्छा, इनकी जो ब्राउनी की खासियत है, टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगी टेस्ट में अच्छा नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बट जो मुझे इसकी ये लगी कि एक तो साइज बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, और इसकी जो ये है ना थिकनेस, ये थोड़ी सी पतली है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए थी। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं,
लंबा यानी थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी मोटी बनाए, क्योंकि जिनसे मैं पहले लेती आई हूँ जिस पेज से, उनके ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट में ये अच्छा ही मैं कहूंगी नहीं, तेल में बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश है, बट छुड़िए मतलब ये मैं आपके लिए छह की छह खा जाऊं ऐसी वाली बात है। उसका ये कि आप एक पीस लो, जो अगर नॉर्मली हम लोग किसी भी बेकरी से ब्राउनी लेते हैं तो मैं सजेस्ट ये कहूंगी कि उनको इस पे थोड़ा सा बड़ा करें, थोड़ा सा थिक करें, तो ये इनका चल सकता है। ये 500 की मुझे पड़ी 6, आप 700 की कर दें, 800 की कर दें, बट इस पे थोड़ा सा वर्क करें, बड़ी करें और थिक करें, ताकि खाने में भी लगा है कि हाँ भाई ब्राउनी मुंह में चली आ रही है। अभी मैंने दूसरा उनके लिए अपनी फ्रेंड के लिए ये गिफ्ट किया है, इनसे मैं पहले भी ऑर्डर कर चुकी हूँ, अपने लिए इनका काम आउटस्टैंडिंग काम है। तो जब मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी ऑर्डर किया। तो पेज यहाँ लगा दूंगी, फील द स्टिच इनका है और इनका काम आप चेक करो, आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने बॉक्स इनसे स्पेशली बनवाया है क्योंकि मुझे गिफ्ट देना था अपने दोस्त को, इनके जा रही हूँ आज, कंटिन्यू करूंगी ब्लॉग, और मुझे आज मार्केट वगैरह भी जाना है, वो भी आप कंटिन्यू करूंगी, अगर मौका मिला तो जरूर डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये कुछ अब इनका काम चेक करो, इतना कोई मजे का है ना ये देखें, फिनिशिंग चेक करें बस आप, ये देखें सादिया रियाज लिखा हुआ है इसमें, और ये है आपकी मर्जी है कि आप इसको हैंग कर दो वॉल पे, मैंने तो खैर इस तरह रखा हुआ है अपने, इस तरह स्टैंड किया हुआ है अपने रूम में, अब सादिया की मर्जी है वो दीवार पे लगा ले। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखें कुंडा लगा हुआ इस तरह, ठीक है, और आपकी मर्जी आप इसको रख ले। तो आई होप कि ये सादिया को अच्छा लगे। तो मैं इसके साथ ये स्लीपर पहन रही हूँ, सोच रही हूँ ये भी अच्छी लगेगी, दिखाती हूँ पहन के। पहले मैंने सोचा था पम्प्स पहनूं, लेकिन वहां से पहले मार्केट भी जाना है, वैसे पहले मैं पहन चुकी हूँ इसके साथ, ये मैं पहले भी वेयर कर चुकी हूँ ये ड्रेस, तो ये भी अच्छी लगेगी क्योंकि ये सारे कलर्स मेरे इस ड्रेस पर आ रहे हैं, और ये कुछ इस तरह की है, तो आई थिंक मैं ये पहन लेती हूँ, ताकि अगर यहाँ वहां से मार्केट वगैरह भी जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो मैं यही पहन लेती हूँ, ठीक है। ज्यादा मैं ज्वेलरी पहनती नहीं, मैंने हल्के से ये इयररिंग्स पहने इस तरह के, और इयररिंग्स वगैरह मैंने डाल ली, मैंने वो पहननी है घड़ी पहननी है, एक मिनट ऐसे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छी लग रही है ये भी चप्पल, क्या कहते हो आप लोग, मैचिंग कर रही है मेरे फ्लावर्स इसके साथ, ठीक है। बैग मैं ले लूंगी ब्लैक कलर का, बाकी मैं वहां व्लॉग कंटिन्यू करूंगी कि कैसे जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ सब। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का धूप के साथ मिरर, वाओ। आज पता मेरी लैशेस की ग्लू नहीं थी, आज मैंने लैशेस नहीं लगाई थी, मैं तुम्हें बताया था मैं बहुत कम कर रही हूँ, ये खुलते हैं क्या, धूप आई क्या, तो बहुत अच्छी यार तुम्हारा, बड़ा अच्छा है यार, ये जगह जगह पे धूप खिड़की सब आ रही है भाई, वाह रे देखो जरा, और इधर उधर करो, बहुत अच्छी पीस आती है यार तुम यहाँ पर, मैं जब भी तैयार होती हूँ ना तो मुझे इतना लेट हो जाता है कि सूर्य निकल जाता है, चला जाता है, मतलब बहुत मुझे लेने के लिए मौका मिलता। आ गए हैं यहाँ पर अभी दोस्त के यहाँ, सारे इतनी अच्छी मजे की यहाँ पर धूप आ रही है, तो मैंने कहा इसने इतना अच्छा डेकोरेट किया, मैं आपको दिखाती हूँ। है सादिया का टेररिस्ट, अच्छा सादिया ने भी नई नई स्टार्ट की है यूट्यूब व्लॉग्स, मैं सादिया का यहाँ लिंक डाल दूंगी तो आप उसमें फॉलो कर सकते हो, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो इस तरह इसने छोटा सा डेकोरेट किया हुआ है, वेरी नाइस। और ये मीना का किचन है, मीना आपका ये ना, तो ये मीना है, ये इब्राहिम है, मिन्हा, तो इनका नाम है मिन्हा नॉट मीना, हाउ क्यूट इट इज, माशाल्लाह इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, और ये घूम फिर रही है इधर। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा कैसी हैं, काम कर रही है ना, तुम बताओ नहीं क्या, दिखाओ तो सही कैसे बेचारी काम कर रही है हमारे लिए, क्या बना रही सादिया, क्या बना रही है आपके लिए, आपके ये हमने देखे, आपके देखने आपके आपके चलें भाई देखते हैं। अरे वाह, ये आपने खुद कुक की है, आप कुकिंग कर लेती हैं, सब कुछ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह,
ओके ये फिश है अभी इसको फ्राई करना है, हमने कहा ताजा ताजा फ्राई करेंगे। बस सही है, जबरदस्त हो गया भाई। मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। टेरेस आ दिया तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। अरे तुम्हारा ये भी बहुत अच्छा लगा है, ये कहाँ से लिया है तुमने सादिया? ये गुल का। वेरी नाइस, आओ जरा मेरे साथ आ जाओ जरा। ये एप्रिन बता रही है कि मैंने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की हुई इन्होंने। आज बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए भाई दोस्तों के लिए। क्या मतलब? सोया तो मगरिब हो चुकी है यहाँ पे, और ये रही दोनों। आपको YouTube में ले लो, कोई इशू तो नहीं है? नहीं हाँ, अब इतनी देर में आपको याद आया कि ये लाइटें खोलनी है, मतलब ये क्या तरीका है? अब ये लाइटें जली हैं, इससे पहले इन्होंने लाइटें बंद की हुई थी, मतलब ये क्या, ये क्या, ये क्या तरीका है भाई? क्या क्या बनाया भाई, इतना कुछ बनाया इन्होंने यार। ये लड़की भुलक्कड़ है। मैं वहीं रख रही हूँ टेबल पे। वो वाली मेहमान हो, सबसे खट्टे आलू वाली, खट्टे आलू वाली हो। कौन हमारे बनते, मतलब मेहमानों के लोगों को पसंद है। घर की चटनियाँ ही मैंने घर की चटनियाँ भाई इन्होंने खुद पीसी है। वाह रे वाह, सो क्यूट, इन्होंने खुद बनाई है भाई। ये जिनको चाय पीनी है चाय भी है, हमारे यहाँ ये भी आपके आया है, सब खाया है। ये क्या था? ये चिकन चीज बॉल, चीज बॉल पोटैटो। इसमें आपने क्या बनाया है? ये सब मैंने बनाया है, सबको आपने बनाया है। ओके, और ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस सादिया? ये गोरा कबाब है। ये क्या होता है? गोरा कटलेट कहते हैं। गोरा बहुत अच्छी है, मैंने बहुत खाया भाई इन लोगों का भी साथ। भाई क्या क्या बना के रख लिया सादिया, बस कर दो। तो यहाँ से हम फारिग हो गए हैं दोस्त के घर, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, खूब गप्पे शप्पे माली, रील शील बना ली, जबरदस्त किस्म। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से मार्केट, क्योंकि मुझे काम है अपने पेज के लिए, तो अब यहाँ से मार्केट जाऊंगी। अब आया मैं साथ अपने लेकर आई थी, क्योंकि ऐसी हालत में नहीं जाऊंगी, मास्क वगैरह पहन लूंगी ये गाड़ी में बैठे बैठे, मार्केट जाके फिर कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग अपना। तो यहाँ पर मैंने शॉप वाले को फोन किया था कि दुकान बंद बंद करिएगा, क्योंकि शॉप मार्केट्स बंद करने का टाइम हो गया, तो मैं इनको भगा रही हूँ इससे पहले वो बंद करें, क्योंकि मैंने उनका तो बंद नहीं करें, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। ज़ाहिर हर चीज़ दूर है, करीब कुछ भी नहीं है मेरे घर के पास, तो बस यहाँ पर मुझे फाइनली ये काम वाइंड अप करना था, क्योंकि मुझे हर हाल में इंशाल्लाह रमज़ान से पहले आप सबके आपके पार्सल डिस्पैच कर देना, तो ये टेंशन बढ़ी। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि मेरे 8,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कहेंगे सब्सक्राइबर तो कुछ नहीं होता, व्यूज़ से कुछ होता। भाई सब्सक्राइबर आएंगे तो वही तो व्यूज़ देंगे, तो मुझे ये छोटी सी शेयर करनी थी आप लोगों से अपनी खुशी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।